गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यदि आपने रिक्रूटमेंट एंड इट्स सोर्सेज इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज अभी तक नहीं पढ़ा है तो पहले लास्ट वीडियो देख लीजिए, क्योंकि रिक्रूटमेंट के बाद की नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है सिलेक्शन। सिलेक्शन स्टेप में हमें जितनी एप्लीकेशंस कलेक्ट हुई है, चाहे वह हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ने सबमिट की हो या आउटसाइडर्स ने, उसमें से बेस्ट सुटेबल पर्सन को सिलेक्ट करना है। इसलिए सिलेक्शन बहुत ही प्रॉपरली और साइंटिफिकली होना चाहिए। इसमें मैनेजर से आप प्रेडिक्ट करते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर कैंडिडेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल होगा। सो सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ अ नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स फॉर अ जॉब। देयर आर वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द सिलेक्शन प्रोसेस। द फर्स्ट इज प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। अनक्वालिफाइड एप्लीकेंट्स आर एलिमिनेटेड इन प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। जैसे एडवर्टीजमेंट में आपने जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन मेंशन किया है, जो भी एप्लीकेशन इस जॉब स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं होगी, यानी कैंडिडेट का प्रोफाइल एडवर्टीजमेंट के हिसाब से नहीं होगा, उस एप्लीकेशन को आप प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में रिजेक्ट कर सकते हैं। अदर सुटेबल कैंडिडेट्स आर कॉल्ड फॉर प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। इसके बाद आप बचे हुए एप्लीकेंट्स को इन प्रिलिमिनरी इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। इस इंटरव्यू में आप उन एप्लीकेंट्स को रिजेक्ट करते हो जिनमें कुछ डिसक्वालिटीज हो, जो रीजन आपको एप्लीकेशंस में अपीयर नहीं होता। सो दिस इज प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। द सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस is selection test. Selection test is a mechanism. It may be a paper and pencil test or an exercise to know few more characteristics of a candidate. Now there are few important tests. The first is intelligence test. It measures level of intelligence or intelligence quotient IQ of a person. It indicates the person's learning ability or decision making ability. किसी भी पर्सन का आईक्यू लेवल चेक करके हम यह फाइंड आउट कर सकते हैं कि यदि इस पर्सन को हमने हायर किया तो क्या वो फ्यूचर में करेक्ट डिसीजंस ले सकता है, क्या वो फ्यूचर में नई चीजें सीख सकता है। द फॉर्मूला ऑफ आईक्यू इज मेंटल एज अपॉन एक्चुअल एज इनटू 100। अब इसका आंसर परसेंटेज यदि बिलो 25 है देन द पर्सन इज इडियट। If it is 90 to 109, then average person. If it falls 110 to 119, then the person is bright. If it is 120 to 129, then the person is superior. And if the answer is above 130, then the very superior person. So, कोई भी इंडस्ट्री आईक्यू लेवल चेक करने के बाद ही पर्सन को हायर करती है, ताकि वह यह डिसाइड कर सके कि यह ब्राइट पर्सन फ्यूचर में कितना उनकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फैक्ट्री के लिए बेनिफिशियल होगा। द सेकेंड टाइप ऑफ टेस्ट इज एप्टीट्यूड टेस्ट। इट मेजर्स द इंडिविजुअल्स पोटेंशियल फॉर लर्निंग न्यू स्किल्स। इसका मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट में यह देखा जाता है कि किसी एक पर्सन को एक पर्टिकुलर कोर्स, सब्जेक्ट या फील्ड की इंफॉर्मेशन दिया जाए, नॉलेज ट्रेनिंग दी जाए, तो वह कितनी जल्दी इसे सीख लेता है, कितनी जल्दी वह इसे इम्प्लीमेंट कर पाएगा। जैसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एप्टीट्यूड टेस्ट होती है, वह इसलिए होती है कि इस पर्टिकुलर वोकेशन या प्रोफेशनल कोर्स के लिए यह पर्सन कितना एलिजिबल है, क्या यह फ्यूचर में इस वोकेशन को सीख पाएगा। सो एप्टीट्यूड टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Now the third selection test is personality test. It provides clues to person's emotions, reaction, maturity and value system. It indicates overall personality of a person and it is very difficult to design. कई बार newspaper में आपने personality test दी होगी, जिसमें कुछ questions पूछे जाते हैं, आपको उसका answer yes, no, can't say में देना होता है। इसके बाद हर आंसर के लिए आपको कुछ मार्क्स दिए जाते हैं, जिसके एवरेज के बेसिस पर आपको आपकी पर्सनालिटी पता चलती है। इसी तरह साइकोलॉजिस्ट ने भी हर फील्ड के लिए कुछ पर्सनालिटी टेस्ट बनाई है। इस पर्सनालिटी टेस्ट के बेसिस पर हमें किसी पर्सन की
पर्सनालिटी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स का पता चलता है कि यह पर्सन एक्सट्रोवर्ट है या इंट्रोवर्ट, डोमिनेटिंग नेचर का है या सबमिसिव नेचर, या गुड लीडर हो सकता है, एम्बिशियस है। अब यदि ऑफिस में आपको कोई सुपरवाइजर, एडमिनिस्ट्रेटर या मैनेजर की पोस्ट के लिए सिलेक्शन करना है तो आप एक्सट्रोवर्ट पर्सन को सिलेक्ट करेंगे जो गुड कम्युनिकेटर भी है। लेकिन यदि आपको ऑफिस वर्क के लिए किसी पर्सन को सिलेक्ट करना है तो यह इंट्रोवर्ट पर्सन भी हो सकता है। नाउ द नेक्स्ट इज ट्रेड टेस्ट। इट मेजर्स एग्जिस्टिंग स्किल ऑफ अ पर्सन, द एग्जिस्टिंग प्रोफेशनल टेक्निकल नॉलेज एंड ट्रेनिंग ऑफ अ पर्सन। ट्रेड टेस्ट में आप यह देखते हैं कि किसी पर्सन का एग्जिस्टिंग नॉलेज किस एरिया में है। जैसे आपको कंप्यूटर की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट सिलेक्शन करना है तो क्या इस पर्सन को कंप्यूटर का नॉलेज है। यदि आपको इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट पर किसी पर्सन को अपॉइंट करना है तो इस फील्ड में इस पर्सन का कितना नॉलेज और ट्रेनिंग है। इस तरह एप्टीट्यूड टेस्ट में आप देखते हैं कि यदि इस पर्सन को नॉलेज और ट्रेनिंग दी जाए तो यह फ्यूचर में कितना सीख पाएगा। लेकिन ट्रेड टेस्ट में आप ये चेक करते हैं कि इस पर्सन को अपनी फील्ड का कितना नॉलेज है, कितना यह पर्सन ट्रेंड है। द थर्ड इज इंटरेस्ट टेस्ट। इट इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन अ पर्सन्स एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड द काइंड ऑफ जॉब्स दैट विल सेटिस्फाई हिम। इट एम्स टू आइडेंटिफाई एरिया इन विच कैंडिडेट हैज स्पेशल लाइकिंग, फैसिनेशन एंड इन्वॉल्वमेंट। कई बार यह होता है कि बच्चे को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट होता है लेकिन वह कॉमर्स फील्ड में आ जाता है, या फिर उसे कॉमर्स में, बिजनेस में इंटरेस्ट होता है और पेरेंट्स उसे साइंस लेने के लिए फोर्स करते हैं। जैसे टीचर्स वैकेंसी एप्लीकेशन होती है उसमें एक कॉलम होता है योर इंटरेस्ट एरिया। इस आंसर से मैनेजमेंट को इस टीचर के इंटरेस्ट एरिया का पता चलता है। अब मैनेजमेंट, जैसे आपने सिंगिंग लिखा है तो कल्चरल एक्टिविटीज में आपको सिंगिंग रिलेटेड ड्यूटी दे सकते हैं। यदि आपने डांस लिखा है या ड्राइंग एंड पेंटिंग लिखा है तो रिलेटेड वर्क आपको दिया जा सकता है जिससे आपका इंटरेस्ट भी सर्व हो और आप अपना यह काम बहुत अच्छे से कर सके। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द टाइप्स ऑफ टेस्ट अंडर सिलेक्शन टेस्ट। द थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। जो कैंडिडेट सिलेक्शन टेस्ट क्लियर करता है उसे इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। इंटरव्यू इज अ फॉर्मल इनडेप्थ कॉन्वर्सेशन कंडक्टेड टू इवैल्यूएट द एप्लीकेंट सुटेबिलिटी फॉर द जॉब। इंटरव्यू या इंटरव्यूअर और कैंडिडेट के बीच में एक कॉन्वर्सेशन है, फॉर्मल कॉन्वर्सेशन डिस्कशन है जिसमें इंटरव्यूअर को कैंडिडेट की पर्सनालिटी की और इंफॉर्मेशन मिलती है, कैंडिडेट का ओपिनियन, एक्सपीरियंस, वर्किंग स्टाइल। इंटरव्यूई कैन ऑल्सो सीक इंफॉर्मेशन अबाउट सैलरी, वर्किंग कंडीशन, पोस्टिंग एक्सेट्रा। इंटरव्यूअर के साथ इंटरव्यूई कैंडिडेट भी जॉब के बारे में और इंफॉर्मेशन ले सकता है, जैसे उसकी सैलरी क्या होगी, वर्किंग कंडीशन, पोस्टिंग एक्सेट्रा। नाउ द फोर्थ इज रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। जो पर्सन इंटरव्यू क्लियर करता है उसकी एप्लीकेशन में एक रेफरेंस एंड बैकग्राउंड कॉलम होता है। इस रेफरेंस में इस कैंडिडेट ने किसी प्रीवियस एम्प्लॉयर, नोन पर्सन, टीचर, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर का नेम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर दिया है। सो कैंडिडेट गिव्स नेम एंड एड्रेस ऑफ सम रेफरेंसेस इन द एप्लीकेशन फॉर्म। अब यह इंफॉर्मेशन कैंडिडेट ने खुद ने दी है तो यह बायस भी हो सकता है, लेकिन एम्प्लॉयर चाहे तो कैंडिडेट की मोर इन्फॉर्मेशन, उसका बिहेवियर, उसके पर्सनालिटी की जानकारी इन रेफरेंसेस से ले सकता है। नाउ द फिफ्थ इज सिलेक्शन डिसीजन। द कैंडिडेट्स हु क्रॉस ऑल द हर्डल्स आर इंक्लूडेड इन द फाइनल लिस्ट ऑफ सिलेक्शन। जिन कैंडिडेट्स ने सिलेक्शन प्रोसेस की सभी स्टेप्स अब तक क्लियर की है उनका नाम फाइनल लिस्ट ऑफ सिलेक्शन में इंक्लूड किया जाता है। ओपिनियन ऑफ कंसर्न मैनेजर इज कंसिडर्ड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द न्यू एम्प्लॉय। मान लीजिए यह सिलेक्शन आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट की किसी पोस्ट के लिए कर रहे हैं तो सबसे पहले मार्केटिंग मैनेजर का ओपिनियन लिया जाता है जिसके अंडर में यह न्यू एम्प्लॉय वर्क करेगा। मार्केटिंग मैनेजर ही इस न्यू एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। सो द ओपिनियन ऑफ मार्केटिंग मैनेजर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर सिलेक्टिंग द कैंडिडेट।
Now the sixth is medical examination. Medically fit and healthy candidate is likely to work more efficiently as compared to physically unfit, diseased and disabled candidate. कोई भी मेडिकली फिट पर्सन हेल्दी पर्सन की प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी अनफिट पर्सन से ज्यादा होती है। यदि आपकी केमिकल फैक्ट्री है या गैस फैक्ट्री है तब तो यह मेडिकल एग्जामिनेशन और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। नाउ द सेवेंथ इज जॉब ऑफर। जिस कैंडिडेट ने मेडिकल एग्जामिनेशन भी क्लियर कर ली उसे जॉब ऑफर करने के लिए लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट इश्यू किया जाता है। So letter of appointment is issued to the candidate. This letter contains terms and conditions of employment, pay scale, other benefits associated with the job. इस letter of appointment में job से related terms and conditions, pay scale, other benefits जैसे TA, DA, house rent allowance, conveyance allowance mention होते हैं. Date by which appointee must report on duty. Appointee must be given reasonable time for reporting. इस appointment letter में एक date mention की जाती है। उस date तक appointee अपनी duty के लिए report कर सकता है। अब appointee को कुछ reasonable time देना चाहिए जिससे वह यह decide कर सके कि उसे यह job offer acceptable है या नहीं। सेवेंथ स्टेप में हमने selected candidate को job offer करने के लिए appointment letter issue किया और इस कैंडिडेट ने यह जॉब एक्सेप्ट भी कर लिया। अब कंपनी लास्ट स्टेप करेगी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इस स्टेप में ऑर्गेनाइजेशन कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेगी। द फर्स्ट डॉक्यूमेंट इज अटेस्टेशन फॉर्म। द कैंडिडेट ऑथेंटिकेट एंड अटेस्ट द डिटेल्स गिवन बाय हिम इन दिस फॉर्म एंड दिस इज अ वैलिड रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस। अटेस्टेशन फॉर्म में कैंडिडेट अपनी कुछ डिटेल्स लिखकर उसे ऑथेंटिकेट करता है, अटेस्ट करता है कि यह सभी इंफॉर्मेशन ट्रू एंड करेक्ट है। कंपनी यह डॉक्यूमेंट अपने पास रखती है क्योंकि यह एक वैलिड रिकॉर्ड है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। द सेकेंड डॉक्यूमेंट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दिस इज अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। This contract includes some details like job title, duties, responsibilities, date of joining, pay and allowances, hours of work, leave rules, disciplinary rules, termination rules, etc. Friends, यह formality पूरी करने के बाद candidate अपना job, अपना work start कर सकता है. I hope you have understood all the steps in the staffing process. फ्रेंड्स यह स्टेप सीक्वेंस में लर्न करिए। इफ यू लाइक दिस वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।